सूर्य पुत्र करण, करण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाभारत के महाकाव्य में करण की गाथा न केवल वीरता और दानशीलता की मिसाल है, बल्कि यह मानवता के संघर्ष, समाज के अन्याय और आत्मसम्मान की अद्भुत कहानी भी है। करण को सूर्य पुत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनका जन्म सूर्य देव के वरदान से हुआ था। उनकी कहानी प्रारंभ होती है उनके जन्म से, जो स्वयं एक रहस्य और ईश्वर का आशीर्वाद था। कर्ण का जन्म कुंती, जो राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी, को बचपन में ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष मंत्र प्रदान किया था। यह मंत्र किसी भी देवता का आह्वान करने और उनसे वरदान प्राप्त करने की शक्ति देता था। कौतूहल और मासूमियत में युवा कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया। इस पुत्र का जन्म एक चमत्कार था। जैसे ही करण ने जन्म लिया, वह सूर्य देव के तेज और शक्ति से ओत प्रोत थे। उनके कानों में सूर्य के कुंडल और शरीर पर कवच स्वयं भगवान का दिया हुआ उपहार था, जो उन्हें अजय और अजर अमर बनाता था। लेकिन यह कुंती के लिए एक संकट का समय था। अविवाहित होने के कारण वह इस नवजात शिशु को समाज की कटु आलोचनाओं से बचाने के लिए त्यागने को मजबूर हुई। कुंती ने भारी मन से अपने पुत्र को एक टोकरे में रखा और उसे गंगा की धारा में बहा दिया। यह दृश्य उनके हृदय को तोड़ देने वाला था, लेकिन यह नियति का खेल था। गंगा की लहरें उस बच्चे को धीरे धीरे एक नए घर की ओर ले गई। वह टोकरी एक सारथी अधीरथ और उसकी पत्नी राधा को मिली। निसंतान दंपत्ति ने इस बच्चे को भगवान का वरदान समझकर अपना लिया। उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण राधा और अधीरथ के प्रेम और देखभाल में बड़े हुए। यद्यपि उनका पालन पोषण साधारण परिवार में हुआ, लेकिन करण के व्यक्तित्व में एक तपस्वी, एक राजसी तेज और अद्भुत गुण थे। करण बचपन से ही असाधारण थे। उनकी बुद्धिमता, धैर्य और कौशल दूसरे से अलग थे, लेकिन समाज उन्हें बार बार उनकी जाति और जन्म के कारण अपमानित करता रहता। करण का मन शस्त्र विद्या में निपुण होने की इच्छा से भरा हुआ था। उन्होंने द्रोणाचार्य के आश्रम में प्रवेश पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहाँ यह कहकर ठुकरा दिया गया कि वह क्षत्रिय नहीं है। यह अपमान उनके हृदय में एक गहरी चोट के समान था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करण ने भगवान परशुराम की शरण में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान परशुराम को यह विश्वास दिलाया कि वह एक ब्राह्मण है, क्योंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। थे करण ने अपनी मेहनत और लगन से परशुराम का दिल जीत लिया। परशुराम ने उन्हें शस्त्र विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि सिखाई। एक दिन परशुराम करण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक जहरीले कीड़े ने करण के पैर में काट लिया। दर्द ऐसे नहीं था, लेकिन करण ने परशुराम की नींद नहीं टूटे इस भय से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब परशुराम जागे और उन्होंने खून बहता देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि करण ब्राह्मण नहीं हो सकते। उन्होंने गुस्से में करण को श्राप दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब उनकी शस्त्र विद्या उन्हें भूल जाएगी। करण के लिए यह एक भयंकर आघात था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार किया। करण के जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब वह हस्तिनापुर पहुंचे। वहां एक प्रतियोगिता में उन्होंने अर्जुन को परास्त कर दिया, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें फिर से अपमान सहना पड़ा। दुर्योधन, जो करण की प्रतिभा से प्रभावित था, ने उन्हें अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा बना दिया। इस प्रकार करण अंगराज कहलाए। यह करण के लिए सम्मान और स्वीकृति का पहला बड़ा कदम था, लेकिन यह मित्रता आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका और उनके जीवन के उतार चढ़ाव का आधार बनी। करण का प्रारंभिक जीवन संघर्ष और अस्वीकृति से भरा हुआ था, लेकिन उनके साहस, दानशीलता और आत्मसम्मान ने उन्हें असाधारण बना दिया। सूर्यपुत्र करण की गाथा आगे और भी रोचक होती है।
जिसमें उसके जीवन के और पहलुओं की झलक मिलती है। तो दर्शक बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।